क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं। मैंने आपकी खिदमत में कल ये बात अर्ज की थी कि इल्म दुनिया की रंगारंगी का सबब है और मरकज इल्म मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना था, यहां से दुनिया को इल्म की भीख मिली और जो आया वो सैराब होके गया और उसके बाद फिर जब आफ्ताब इमामत पर्दा गैबत में गया तो मुसलसल 1100 साल से उलमा अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हमारे पास एक निज़ाम चल रहा है इस्लाम को समझने और समझाने के लिए जिसका नाम इज्तिहाद है। ये इसके पहले भी चला है लेकिन लोग उसको ठीक से चला ना पाए इसलिए वो बंद हो गया। हमारे पास 1100 साल पूरे हो गए, लगभग 1104 साल होते हैं कि हमारे पास ये निज़ाम बरकरार है और चल रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि यूं दुनिया जो चाहे कहे या न समझी में भोलेपन में वाकयात से बेखबरी के नतीजे में कोई लफ्ज कोई कह दे वो बात अलग है। बाकी न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के जितने फिरके और जितने अकीदे और जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं उनमें वाहिद इसना अशरी फिरका वो है कि जिसके अंदर निजाम इल्म जिंदा है। देखिए गौर कीजिएगा आप इसको, हमारे पास निजाम इल्म जिंदा है। इज्तिहाद जो है ये इल्म की जिंदगी की दलील है और मैं पूरे एहतराम के साथ तमाम फिरकों के, मेरा मकसद किसी फिरके या किसी शख्स या किसी नजरिए की दिलाजारी नहीं, लेकिन अपनी बात को कह भी दूंगा। पूरी एहतराम को मद्देनजर रखते हुए तमाम इस्लामी फिकों के जितने भी स्कूल ऑफ थियोलॉजी हैं, जितने भी स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस हैं, जितने भी मकतबे फिक हैं, उन सब के पूरे इज्जत और एहतराम को पेश नजर रखते हुए एक जुमला जरूर कहूंगा कि दीगर फिकों में और फिक्र जाफरी में फर्क यह है कि और फिकें इस तरह हैं जैसे तालाब का पानी और हमारी फिका ऐसी है जैसे नहर का पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
आप कहेंगे ये क्या मामला है, तालाब में जो आपको महीना व पहले पानी मिलेगा वही पानी आज भी है, नहर में 5 मिनट पहले जो पानी था वहां पर वो पानी नहीं है, अब दूसरा आ गया है। अब ये मसला जो है ये गौरतलब है कि मसलन 4 फिक्र हैं आलम इस्लाम में, और मुझे उनके मुताबिक कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन फतवा देना मुज्तहिद का काम है। देखिए गौर कीजिएगा इसको, फतवा देना मुज्तहिद का काम है, मैं मुज्तहिद नहीं हूं, मैं फतवा नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे पास वो लाइसेंस ही नहीं है फतवा देने। अगर मैं फतवा देने बैठ जाऊं तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने मजहब से गद्दारी कर रहा हूं, मैं मुज्तहिद नहीं हूं, साफ कह रहा हूं, मेंबर पर कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि साहब मैं मुज्तहिद नहीं, तो मैं फतवा नहीं दे सकता। देखिए इंडियन कानून के हिसाब से आप रिवॉल्वर रख सकते हैं, इंडियन कानून के हिसाब से आप रिवॉल्वर रख सकते हैं, मगर लाइसेंस के साथ, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है लाइसेंस देने का, अगर वो आपको लाइसेंस दे तो आप अपने साथ रिवॉल्वर रख सकते हैं, लेकिन बगैर रिवॉल्वर लाइसेंस का रिवॉल्वर रखना जुर्म है। ये भी मैं समझता हूं बच्चा बच्चा जानता है कि बगैर लाइसेंस का रिवॉल्वर रखना क्राइम है, जुर्म है, तो बगैर इश्तिहाद का फतवा देना बगैर इज्तिहाद के फतवा देना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी जेब में बगैर लाइसेंस का रिवॉल्वर निकले, और जैसे हमारी जेब में रिवॉल्वर हो बगैर लाइसेंस का, तो ये है बगैर इज्तिहाद के फतवा देना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं मुहर्रम में इसमें उसमें फतवे छपते हैं, ये हराम है, ये बिदत है, ये जायज है, नाजायज है। अब पहले अपने को मुज्तहिद होने का दावा तो कीजिए, फिर फतवा दीजिएगा। सलावत भेजते हैं मोहम्मद, तो हमारे पास जबरदस्त खिदमात उलमा के हैं और जबरदस्त खिदमात इज्तिहाद के हैं। अब ये इज्तिहाद का अमल क्या है, कैसे होता है, क्या है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जब नवाब अरबा का जमाना गुजर गया और आखिरी नायब हजरत अली इब्ने मोहम्मद समरी सन 329 हिजरी में रहलत फरमा गए, तो उनके पास जो तौकीए मुबारक आई वो ये थी कि अब तुम्हारे बाद कोई नायब खुसूसी नायब नहीं होगा और ये सिलसिला बंद होता है, गैबत कुबरा शुरू होती है। वो तौकीए मुबारक जो है वो किताबों में मौजूद है, जिसका दिल चाहे उसको उठा के पढ़ लो। और अब इसी गैबत सुगरा के जमाने में एक बहुत बड़ा काम यह हो गया था कि हमारी एक किताब मुरत्तब हो गई थी। देखिए हम लोगों पर इल्जाम है कि हम अहले बैत के अलावा किसी से हदीस नहीं लेते हैं, हम पर यह इल्जाम है कि हम अहले बैत के अलावा किसी से हदीस नहीं लेते हैं, और इसके सिलसिले में हमारे ऊपर बड़े वल्गर कमेंट होते हैं कि शिया लोग जो हैं वो अपने अहले बैत के अलावा किसी दूसरे से, इमामों के अलावा दूसरे से हदीस नहीं लेते। हम सही बात है ये, हमें इनकार नहीं है, हम अपने इमामों के अलावा दूसरे से हदीस नहीं लेते, ये बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप हमसे ये तो पूछिए क्यों नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? चूंकि हम बाद में पैदा हुए हैं और इस्लाम में झूठी हदीसों का अंबार लगा है,
हमारे पास कोई ऐसी छलनी नहीं है जिसमें हम झूठी सच्ची हदीसें छान छान के अलग कर सकें। लिहाजा हम उनसे हदीस लेते हैं जिनकी इस्मत की जिम्मेदारी कुरान ने ली है। इसका मामला देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, समझे आप, कि हमारी लड़की की शादी थी, हम जेवर खरीदने गए सोना मार्केट में जहां सोना बिकता है, जवाहरात बिकते हैं, ज्वेलर्स की दुकानों पर। जिस दुकान पर गए तो उसने कहा कि यहाँ झूठा माल मिलता है, सच्चा हमारे यहाँ मिलेगा। जिस दुकान पर गए उसने कहा यहाँ पीतल मिलता है, सोना हमारे यहाँ मिलेगा। और जब हम वहां से निकलने लगे तो सारा मार्केट मिलकर चिल्लाया यहाँ के अलावा सोना कहीं ना मिलेगा। ये तो बड़ी जबरदस्ती की बात है। जिस दुकान पर बैठे उसने कहा कि असली माल उसके बाद नहीं हमारे पास है, और जब मार्केट छोड़ के कहा कहीं और से लेंगे तो उनका यहाँ के अलावा सोना मिलेगा नहीं। यही इस्लाम का मामला है कि इस्लाम के बाजार में दुकानें 73 हैं। जहां गए उनका कि यहाँ तो नकली माल मिलेगा, असली हमारे यहाँ है, और जब इस्लाम छोड़ के निकलने लगे तो कहा इस्लाम के अलावा कहीं नजात नहीं। ये तो फंस गए हम कि जब इस्लाम ही, चलो इसी को छोड़ दे, किस्सा खत्म हो। तो उनका नहीं, यहाँ की इस्लाम के अलावा तो नजात है नहीं, 73 के 73 मिलके चिल्लाए। और जिस दुकान पे बैठे उनका कि यहाँ नकली माल मिलेगा, असली यहाँ मिलेगा नहीं, तो हम करें तो क्या करें। तो सोचते सोचते दिमाग में एक बात आई, कहा चलो रिजर्व बैंक से सोना ले लें जिस पर सरकार की मोहर हो। अब वो चाहे हमें सोना दे दें चाहे पीतल दे दें, लेकिन बाद में एक्सचेंज में रिजर्व बैंक इंडिया से हम सोना ले लेंगे, इसलिए कि उनकी सील लगी हुई है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमने सोचा कि अब हम इस्लाम उसी से लेंगे कि ये अमल करते जाएं, कुरान मोहर लगाता जाए, सलावात भेजते हैं मोहम्मद। इत्तेहाद में हमारे जब हदीसें जमा की गईं, हमारे 10वें इमाम का जमाना था, नवें इमाम के जमाने से 10वें इमाम के जमाने तक में इमाम अहमद इब्ने हम्बल एक आलिम गुजरे, हम्बली फिका के जो बानी थे, उन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है, मुसनद इमाम अहमद इब्ने हम्बल उसका नाम है। वो ये फरमाते हैं कि मुझे 3 लाख हदीसें याद थी। उनका इरशाद ये है कि मुझे 3 लाख हदीसें याद हैं, मगर मैंने सेलेक्ट करके 30,000 लिखी। इसका मतलब ये है कि 2,70,000 हदीसें उनकी नजर में काबिल एतबार नहीं थी। और मैं 2,70,000 हदीसें उनकी नजर में काबिल एतबार ज्यादा नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी मुसनद में 30,000 हदीसें लिखी हैं और 3 लाख हदीसें उनकी नालिज में थी। उनके फौरन ही बाद एक दूसरे आलिम पैदा हुए, अहमद इब्ने इस्माइल बुखारी, उन्होंने उसमें भी छटनी की और 30,000 में से उन्होंने 2-2 रकात नमाज पढ़ के हदीसें जमा की, और 30,000 में से उन्होंने, उनकी 30,000 से नहीं मगर बाहर उन्होंने 6,000 हदीसें अपनी किताब सही में लिखी और कहा ये सब सही मैंने जमा कर दी। आज की दुनिया उस सही पर भी गड़बड़ कर रही है और कहती है इसके अंदर भी तरमीम होना चाहिए। दूसरे जब उस सही को हमने पढ़ा तो मालूम हुआ उस सही का मेयार सिदाकत नहीं है,
दुश्मनी अहले बैत है, इसलिए कि इमाम बुखारी इमाम जाफर सादिक को तो सच्चा नहीं मानते मगर कातिलान हुसैन से हदीस लेते हैं। तो जो इमाम जाफर सादिक को सच्चा न मान के कातिलान हुदैन से हदीसें ले, हम उसको सच्चा न मानते हुए उससे हदीस नहीं लेते। देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें बुरा कौन सा मानने की बात है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम अहले बैत से हदीस लें। चुनाचे गैबत सुगरा के जमाने में वो किताब जिसको आप काफी के नाम से जानते हैं, शेख याकूब कुलैनी एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हदीसों की यह किताब कंपाइल की और कंपाइल करके इन्होंने ये किताब कहा जाता है कि नवाब अरबा में से किसी बुजुर्ग के हाथ खिदमत में भिजवाई और उसके बाद शोहरत इसकी भी है कि इस किताब को हजरत ने मुलाहजा फरमाया और पसंद फरमाया और फरमाया काफिन ले शियत ना, ये हमारे शियों के लिए काफी है। जब ही किताब गई थी तो गुमनाम थी, वापस आई तो नाम लिए गए। ये किताब हमारे पास मुरत्तब हो चुकी थी गैबत सोहरा में। गैबत सोहरा का जमाना जब खत्म हुआ तो सबसे पहले जिसने क्यादत संभाली और सबसे पहले जिसने आन के मसाइल को देखा आलिम की हैसियत से, वो शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्ने बावाह कुन्नी जिनको कहा जाता है। देखिए मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर दूं कि उलमा लफ्ज मुज्तहिद ना इस्तेमाल कीजिए, वो इमाम के जमाने में नहीं इस्तेमाल होता है। उलमा फकीह इमामों के जमाने में भी थे, फकीह जो हैं वो इमामों के जमाने में भी थे। इमामों के शागिर्द जो थे और इमामों के असहाब जो थे वो बड़े बड़े फकीह थे। हर इमाम के पास शागिर्दों का एक हल्का था, मौला अली से लेके ग्यारहवें इमाम तक। और ये हजरात जो थे, ये जो इमामों की खिदमत में हाजिर रहते थे और हजरत के इल्म से इस्तिफादा करते थे, ये बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े फकीह थे। लेकिन इनके नाम असाबे अम्मा की हैसियत से तो आपको मिलेंगे किताबों में, लेकिन उलमा की हैसियत से इनके नाम आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं तो इसके उलमा की फेहरिस्त में इनके नामों का न मिलना, ये हरगिज ये तस्वुर दिमाग में ना आया आपके कि माज़ल्लाह ये आलिम नहीं थे, जाहिल थे। नहीं, मामला ये है कि तारे रात ही को नहीं निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, मगर सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देते। ये वो सितारे थे जो सूरज के साथ निकले हुए थे। ये वो सितारे थे जो सूरज के साथ निकले हुए थे, लिहाजा हमें इनकी चमक दमक रोशनी हमारी समझ में नहीं आ रही। अब जब सूरज डूबा तो सितारा चमका, तो शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह पहले आलिम थे। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया मुझे किया कि उन्होंने अकायद को मुरत्तब किया, इसलिए कि सबसे पहली चीज जो है, बुनियादी चीज जो है वो अकायद। तो अकायद सदूक आज तक है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सिलसिले में उनका काम जबरदस्त है। दूसरे मुंह में एक और किताब कंपाइल की जिसका नाम है मन ला यहज़ुरुल फकीह, ये भी हदीस की किताब है और ये शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने कंपाइल की और इसके अलावा बहुत खिदमत की और बहुत काम किए और बहुत ही दीन की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार दी। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनके वालिद को उनकी पैदाइश की बशारत भी मिली थी, समझे आप।
इसके बाद इनके नायब शेख मुफीद, शेख मुफीद जबरदस्त आलिम थे, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे, जबरदस्त दीन की उन्होंने खिदमत की है और उस तूफानी अहद में किश्ती को चलाया है। ये शेख मुफीद थे। शेख मुफीद का मर्तबा इससे होता है अंदाजा कि शेख मुफीद ने एक रात ख्वाब में देखा कि मासूम आलम तशरीफ लाई हैं और रिदाया ओढ़े हुए हैं, मगर ये इनका दिल कह रहा है कि ये मासूम आलम हैं और दो बच्चों को अपने साथ लाई हैं और वो गोया इमाम हसन इमाम हुसैन, और इनके सामने आकर उन्होंने कहा है कि अल्लिम हुमा या शेख, ये शेख इन दोनों को तालीम दो, पढ़ाओ उनको। ख्वाब देख के जब ये बेदार हुए तो शेख मुफीद जैसा आलिम, मतलब जबरदस्त आलिम, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ख्वाब क्या है और ये मैंने क्या देखा है, कुजा मासूम आलम, कुजा मैं, कुजा हसनैन, कुजा इनको तालीम देना। ये तो इतना फिक्रमंद थे उस दिन और इतना मुतरद्दिद थे कि उस दिन दर्स भी कहने नहीं गए और इसी फिक्र में वो बैठे हुए थे, कुछ समझ में उनकी नहीं आ रहा था और दिमाग में वही ख्वाब गूंज रहा है बस कि जो मंजर ख्वाब में देखा था वो रियल आंखों के सामने आ गया कि एक बीबी चादर ओढ़े हुए दो बच्चों की उंगली पकड़े हुए चली आ रही। तो नेचुरली आप एक चीज ख्वाब में देखिए और सेम वही मंजर रिपीट हो जाए तो एक सरप्राइज है, अजीब व गरीब कैफियत होती है। अच्छा खड़े हो गए ये और मालूम है कोई सैदानी बीबी हैं जो आई हैं और छूटते उन्होंने वही जुमला का अल्लिम हुमा या शेख, ऐ शेख इनको तालीम दो। ये दो बच्चे जो थे जनाबे सैयद रजी और सैयद मुर्तजा थे, समझे आप, और ये इनकी वालदा थी और ये लोग सैयद थे और करीबी रिश्तेदार थे इमामों के, वो तो करीब का है था ना, लेकिन उस वक्त तक रिश्तेदारियां जिंदा थी। भाई ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जी बस अब आप कुछ फरमाइए ना, मुझे हुक्म मिल चुका है। अब ख्वाब की ताबीर इनकी समझ में आ गई कि क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर क्या है, उनका बस अब आप तशरीफ ले जाइए और अब आप कुछ कहिए ना, मुझे हुक्म पहले से मिल चुका है। चुनांचे उन्होंने जो कुछ भी इनकी सलाहियत थी और जितना भी अल्लाह ने उनको लियाकत दी थी वो उन्होंने उन दोनों बच्चों की तरबियत में और तालीम में लगा दी। तो सैयद मुर्तजा बड़े भाई थे, वो शेख मुफीद के बाद मरकज इज्तिहाद बने, मर्ज तकलीद बने। सैयद रजी छोटे भाई थे लेकिन सैयद रजी ने जो तोहफा दिया है कौम को वो शायद किसी ने अपनी कौम को नहीं दिया है। नहजुल बलागा कंपाइल करके सैयद रजी हमको लेके गए हैं, इससे बेहतर तोहफा किसी शख्स ने शायद अपनी कौम को नहीं दिया। सैयद रजी थे जिन्होंने ज्यादा उम्र नहीं पाई और जवानी में इंतकाल कर गए। सैयद मुर्तजा 72 साल जिंदा रहे और 72 किताबें लिखी और जबरदस्त आलिम थे और फिक्र शिया में जब मुतलकन बिला करीने के लफ्ज सैयद इस्तेमाल होता है तो उससे सैयद मुर्तजा के अलावा कोई दूसरा मुराद नहीं। वैसे और भी सादात उलमा गुजरे हैं लेकिन उनके साथ लफ्ज रखता है सैयद कोई यह कहते हैं, सैयद हकीम यह कहते हैं, खाली सैयद नहीं। लेकिन जब फिका में लफ्ज सैयद खाली इस्तेमाल हो कि सैयद का यह ख्याल है तो सैयद मुराद सिर्फ सैयद मुर्तजा है, कोई दूसरा सैयद नहीं है। सैयद मुर्तजा को आलमुल हुदा का खिताब मिला था,
और ये जबरदस्त आलिम गुजरे। सैयद मुर्तजा की रहलत के बाद उनके शागिर्द शेख उत्ताइफा शेख अबू जाफर तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसनद को संभाला, और शेख अबू जाफर तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की दो किताबें कंपाइल की, एक का नाम तहजीब था, एक का नाम इस्तिफसार था। ये दोनों किताबें भी मौजूद हैं, जाया नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मौजूद हैं। तो अब हदीस की चार किताबें हो गई हमारे। कुतुब अरबा का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है हमारे फिकों में तो उससे मुराद यही चार किताबें हैं, काफी, मलाहिजुल फकीह, तहजीब, इस्तिफसार। ये कुतुब अरबा है, यानी चार किताबें, समझे आप। ये दो किताबें जो हैं शेख उत्ताइफा ने लिखी। हजरत सदूक के जमाने से हजरत अबू जाफर तूसी के इब्तदाई हद तक मरकज इल्म व तालीम व तरबियत बगदाद था। तकरीबन 100 बरस का पीरियड है ये। इस 100 बरस के पीरियड में मरकज तालीम व तरबियत बगदाद था, और शेख सदूक, शेख मुफीद, सैयद मुर्तजा ये हजरात बगदाद में रहे और बगदाद में रह के तालीम थी। लेकिन बगदाद में हर साल क्रिमिनल राइट होता था और मुहर्रम में हर साल फसाद होता था, हर साल फसाद होता था, मुहर्रम में हर साल फसाद होता था, अशरे के दिन फसाद रखा हुआ है। उसमें जो जाने जाती थी, जो नुकसान होता था वो तो होता था, उनमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता था कुतुबखाने जला देते थे लोग, इसलिए कि यह कदीम आदत है, तारीख गवाह है। चुनाचे जब ये न, और दूसरी ये कि जब झगड़े बगड़े होने लगते हैं तो तालीम का माहौल बिगड़ जाता है, तालीम जो है पुरसकून माहौल चाहती है। चुनाचे शेख उत्ताइफा ने आखिर में परेशान होकर मरकज बदल दिया और बगदाद से उठा के हौज़े इल्मिया नजफ ले गए, वहां जाके मस्जिद तूसी बनवाई जो आज भी है, आज भी है मस्जिद तूसी। तो वो जाके उन्होंने तामीर कराई नजफ, वो दर्श का सिलसिला शुरू किया, जो बेहमदिल्ला वो सिलसिला आज भी कायम है और वो सिलसिला आज भी चल रहा है। तो ये सिलसिला वहां से मुंतकिल होके नजफ पहुंचा। ये शेख उत्ताइफा शेख अबू जाफर तूसी रहमतुल्लाह थे, और अब उसके बाद एक सिलसिला उलमा का चलता रहा नजफ में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और तस्नीफ और तालीफ और किताबें और तालीम और तरबियत, ये तमाम चीजें जो हैं, और इल्म के जिंदा होने की एक बेहतरीन मिसाल थी और आज भी है कि वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है और आज तक वो सिलसिला मौजूद है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इस सिलसिले में बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, इस सिलसिले में ऐसे उलमा भी गुजरे हैं जो शहीद हैं, शहीद अव्वल, जब उनको ये मालूम हुआ कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, हुक्म दे दिया कि आज के 8वें दिन आपको फांसी दे दी जाएगी। देखिए, सोचिए कि उन लोगों ने कौन कौन से खिदमतें अंजाम दी, आज के 8वें दिन आपको फांसी दे दी जाएगी। किसी से कह दिया है 8 दिन उसके बड़े इस्तराब में कटेंगे, मगर वो आलिम दीन थे, इल्म ने उनके कल्ब में इत्मीनान पैदा कर दिया था। उनका आपको कुछ चाहिए हो, कोई तमन्ना हो आखिरी तो बता दीजिए, आज सैटरडे है, अगले सैटरडे को आपको फांसी है, कोई तमन्ना हो बता दीजिए, उनका मुझको कागज पलक आवाज ला दीजिए, मैं वो लिखना चाहता हूं, ये प्रोवाइड कर दीजिए मुझे। उनका ठीक है, आपकी तमन्ना हम की देते। मैं कहूंगा रसूलुल्लाह से तो अच्छे आप ही रहे, मैं वक्त आखिर मिल तो गया।
साहब 8 दिन में उन्होंने फिक्हे इस्लामी पर एक मुकम्मल किताब लिखी। आप उनकी प्लानिंग तो सोचिए कि पूरी फिक्हे इस्लामी के ऊपर मुकम्मल किताब 8 दिन के अंदर उन्होंने लिखी है। और 8वें दिन जब वो कैदखाने से निकाले गए फांसी के लिए तो किताब उन्होंने हवाले की और जाके फांसी में चढ़ गए। शहीद सानी ने उसकी शरह लिखी। ये दोनों किताबें आज तक जब तक पढ़ नहीं लेता मौलवी नहीं बनता। मौलवी नहीं बनता, मौलवी रिकग्नाइज ही जब होता है जब ये दोनों किताबें पढ़ ले, वरना ये दोनों लुमा और शरी लुमा जब तक ये नहीं पढ़ लेता उस वक्त तक मौलवियत का तसव्वुर ही नहीं है। ये साहब ये उलमा गुजरे हैं। नादिर शाह इस वक्त आया है तो नादिर शाह का दबदबा वो था कि बोल नहीं सकता था कोई, हिंदुस्तान भी लूट के ले गया था और तख्त ताऊस भी ले गया था जी। नजफ आया था ज़ियारत करने, सारे उलमा गए मिलने, एक नहीं गए, सैयद अली उनका नाम था, नहीं गए। अब जब सब आ गए तो उसने कहा कोई ऐसा तो नहीं जो ना आया हो, तो उससे लोग झूठ बोलते भी डरते थे, गर्दन उड़वा देता था। उन्होंने कहा अब सब आ गए एक नहीं आए। कहा क्यों नहीं आए? कहो जाते वाते नहीं है कहीं, कहिए पकड़ के ले आए, खुद से नहीं आएंगे कहिए पकड़ लाए। तो उस पर असर हुआ, नहीं पकड़ के न लेंगे, अगर खुद से नहीं आ रहे हैं तो उनको पकड़ के न लाना, पकड़ के न लाना। खैर मना कर दिया उसने, कौन पकड़ के लाए? उनका वहां आएंगे नहीं, कहा नहीं आएंगे तो नहीं, क्योंकि इसे मिलते जुलते नहीं। थोड़ी देर के बाद उसके दिल पर असर हुआ, कहने लगा तो चलो हम ही चलते हैं। ये कहीं खड़ा हो गया, वो फौजी किस्म का आदमी था और नजफ है कितना था और उस जमाने में और छोटा होगा। चलो अब लाओ लश्कर, क्या वो सब दौड़ भाग शुरू हो गई। अब लोग दौड़े हुए गए, वो अपने घर के जो बेसमेंट है सरदाब कहलाता है वहां बैठे हुए थे। नादिर आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, गुदम हो गया यहां से वहां तक कि नादिर शाह आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है। तब तले ऊपर होने लगे कि नादिर शाह आ रहा है। उनसे यह कहा कि आपसे मिलने नादिर शाह आ रहा है। तो मैं क्या करूं, आ रहा है तो कैसे रोकू, आ रहा है तो मैं कैसे रोकू, आने दो। इतना इतने में वो आ गया तो वही बेसमेंट में जो तहखाना कहलाता था, सरदाब पर्शियन में कहते हैं उसे, मिले हो और टूटी चटाई उठाई बिछी हुई थी। उसको देख के बड़ा असर हुआ और गया बैठा, दसबोसी की, मुतासिर हुआ, उसके दिल पर असर हुआ। था संग दिल मगर दिल पर असर हुआ। और उसने कहा कि सैयद आपने बड़ा काम किया कि आपने दुनिया को छोड़ दिया। जो पहला जुमला उसने कहा उनको देख के और वहां के सब हालात देख के कि सैयद बड़ा काम किया कि दुनिया को छोड़ दिया, तो इन्होंने उसको जवाब दिया कि नादिर मैंने कोई काम नहीं किया कि दुनिया को छोड़ दिया, तूने असल में बहुत बड़ा काम किया कि उकबा को छोड़ दिया। अब तो लोग कांप गए कि अब तो ये इनकी गर्दन ही उड़ा देगा। उस पर साहब ऐसा असर हुआ कि वो रोने लगा और रो के चुप हो गया। उसके बाद अपने चुपके बैठे,
कहने लगे सैयद कुछ बात कीजिए, कुछ फरमाइए, कुछ कहिए। तो कहने लगे क्या बात करूं, कुछ दिन हुए मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब अमीर के हरम में कुत्ता घुसाया है। तो मैं सोचता था ये कौन सी ख्वाब है, क्या है क्या नहीं है। अब समझ में आया तू आया है ये ताबीर है। अब तो लोग और सटपट आए कि आप तो मारी डाले गए। ऐसा वो कहने लगा अच्छा आपने ख्वाब देखा इसका मैं दरे अली का कुत्ता हूं। उसने कहा अब मैं मौला के दरवाजे पर कुत्ता बन के आऊंगा। चुना जो उसने सोने की जंजीर बनवाई अपने लिए और गले में डलवाई और चारों हाथ पर टेक के अली की दहलीज तक आया। तो ये भी समझ लीजिए कि दरे अली की अजमत वो है कि नादिर जैसे कुत्ते आते हैं दरवाजे के ऊपर। और अजीजान गिरामी मैंने वो जंजीर जो लोग पुराने ज़ियारत को जाने वाले हैं उन्होंने वो जंजीर देखी है वहां नजफ में जो हजरत का ऐवान तिला है उन्हें बीच में जो जंजीर टंगी थी वो वही जंजीर थी जो नादिर ने चढ़ाई थी। लेकिन सद्दाम के पीरियड में वो जंजीर गायब हो गई। वो जंजीर वहां से गायब हो गई। वो ठोस सोने की जंजीर थी और नादिर का चढ़ावा था वो और बीच में वो जो आर्च है उन्हें बीच में जंजीर टंगी हुई थी। हो सकता है किसी पुराने बुढ़े को याद हो वो जंजीर। अब नहीं है, अब जाइएगा तो नहीं है, पहले थे सद्दाम के पीरियड से पहले तक। तो रोने लगा और बहुत मुतासिर हुआ। कहने लगा कुछ फरमाइए, कुछ फरमाइश कीजिए। तो कहने लगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब है, कुछ फरमाइश नहीं। जब उसने बहुत इसरार किया तो वो बेसमेंट में मच्छर बहुत थे। कहने लगे इन मच्छरों को मना करता जाए, ये बहुत सताते हैं, काटते हैं, ये ना काटे मुझे, इनको रुकवा दे। देखो मैं आपके लिए नया मकान बनवा दूं, ये कर दूं, ये मेरा कहना थोड़ी मानेंगे, बोला इनका मैं क्या करूं, इनको कैसे रोक दूं जो काट रहे हैं। तो कहने लगे नादिर शर्म कर, जब तुझे एक मच्छर पर काबू नहीं है ये तो तेरी मजबूरी का आलम है, मैं तेरे आगे हाथ फैला के क्या करूं। देखिए ये वो इल्म है कि जो बेनियाज बना देता है ताजो तख्त से। समझ में आया आपकी, ये वो इल्म है जो ताजो तख्त से बेनियाज बना देता है। हदीदाने गिरामी एक सिलसिला है, एक यहां से वहां तक नूरानी सिलसिला है कि जिसके जरिए से हमें मालूम होता है कि ये क्या है। तो अजीजों ये एक दीन की खिदमत है जो मुसलसल चल रही है और आज तक चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की खिदमत करने वाले आज भी हैं। इसलिए कि जमाना रोज बरोज बदलता रहता है, टाइम टू टाइम हालात तब्दील होते रहते हैं। कल वो दुनिया नहीं थी जो आज है, तो नए मसाइल पैदा होते हैं, नई चीजें आती हैं, नया इल्म आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। तो उसके लिए शरीयत कुछ कहती है कि नहीं कहती है, ये कौन फैसला करेगा? आम आदमी के बस में तो नहीं है फैसला करना, आम आदमी तो नहीं फैसला कर पाएगा। कैसा सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं, आधा की पैबंदकारी है, ट्रांसप्लांटेशन है, सैकड़ों चीजें हैं, एक से एक मसाइल हैं, बैंकों के नए मसाइल हैं, तिजारत के नए मसाइल हैं, कम्युनिकेशन के नए मसाइल हैं, यहां से वहां तक सैकड़ों चीजें हैं। तो आखिर क्या इस्लाम सिर्फ अरबों के चरवाहों के लिए था या आज की मॉडर्न दुनिया के लिए भी है? और अगर आज की मॉडर्न दुनिया के लिए भी है तो कौन बताएगा? तो ये मसला जो है इज्तिहाद में ये गुंजाइश है। चुनाचे इसीलिए बात समझदार लोग दूसरे फिरकों के भी इस बात पर अफसोस करते हैं कि इज्तिहाद का दरवाजा बंद कर दिया गया। अगर इज्तिहाद का दरवाजा खुला होता
तो हमारे पास भी वो चीजें होती, लोग सोचते हैं मुज्तहिद जो है वो उन जरा ऐसे मालूम करता है जो उसको अल्लाह जो उसके इल्म ने उसको बताए, और उसके बाद वो उसके जरिए से फतवा देता है। वो अपने ख्याल में कोशिश करता है पूरी के मसला शरीयत उसको मालूम हो, और इसी बुनियाद के ऊपर उसको नियाबत सौंपी गई है गैबत में। ये परमानेंट जॉब नहीं है, जब इमाम आएंगे तो ये काम इमाम करेंगे, लेकिन जब तक मसलियत परवरदिगार से इमाम गैबत में है उस वक्त तक उलमा को यह काम करना है। और दूसरी बात मियां यह है कि मैं अक्सर बेशतर यह कहता हूं लोगों से कि मौला अली के मामले में तो आप शिया रहते हैं, लेकिन आगे जाके आप अपना मसलक बदल देते हैं। उनका यह क्या मतलब? हमने कहा हमसे और दूसरे मुसलमानों से जो डिस्प्यूट है वो ये है कि हम कहते हैं कि मौला अली को बहुकम खुदा रसूलुल्लाह ने अपनी रहलत से पहले गदीर खुम में अपने जानशीन बना दिया। तो यही तो कहते हैं ना, हर शिया का यही तो अकीदा है ना कि रसूलुल्लाह ने अपनी हयात मुबारक में मौला अली को हुक्म खुदा से अपना नायब बना दिया, लिहाजा हम रसूलुल्लाह के बाद अली को पहला इमाम और उनका जानशीन बरहक मानते हैं। बकिया मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं, जो मतलब आप लेते हैं वो हदीस का मतलब नहीं है, ये है वो है। रसूलुल्लाह ने कुछ कहा नहीं था, ना किसी को बनाया था। जब रसूल चले गए तो उम्मत को ये फिक्र हुई कि क्या होगा, तो मजॉरिटी से लोगों ने इसको मुनासिब समझा, वो बना लिया। तो मतलब बुनियाद जो पड़ी झगड़े की वो ये कि रसूल ने बनाया कि नहीं बनाया। हमारा कहना यह है कि रसूल ने बनाया, सामने वाले का कहना यह है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बनाया। ये सिलसिला रसूल के बाद का है। अब ये सिलसिला चला 250 वर्ष तक। हम ये पूछते हैं कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने लगे और उन जनाब के इल्म में ये बात थी कि मेरे बाद गैबत शुरू होगी, तो वो दीन को किसी के हवाले करके गए जो शिया नुक्ते नजर है, या दीन को वैसे ही छोड़ के गए जो अहले सुन्नत के नुक्ते नजर है? आप बताइए क्या करके गए? तो अगर आप कहिए ऐसे ही छोड़ गए तो इसका मतलब आपने अपनी आइडियोलॉजी तब्दील कर दी, और अगर वो हवाले करके गए तो किसके हवाले करके गए? और मतलब बात यह है किसके हवाले करके गए? डॉक्टरों के हवाले करके गए, वकीलों के हवाले करके गए, इंजीनियरों के हवाले करके गए, जमींदारों के हवाले करके गए, आम पब्लिक के हवाले करके गए, किसके हवाले करके गए? तो उनका फुकहा के हवाले करके गए। तो अब उस पर इतनी नाराजगी और गुस्सा गर्मी क्या है गए भाई? नाराजगी गए। अब रह गया ये कि ये जाहिर बात है कि जो अल्लाह का मर्तबा है वो अपनी जगह है, जो रसूलुल्लाह का और अहम अथार का मर्तबा है वो अपनी जगह है, जो इमामों का और रसूल का मर्तबा है, जो उलमा का मर्तबा है वो अपनी जगह है। ये मतलब नहीं है कि आप एक को दूसरे का जैसा कह दीजिए, मगर ये कि बहरहाल अपने अपने जगह पर है। अब ये कि गैबत इमाम में चूंकि काम उनके हवाले कुछ किए गए, तो जो काम उनके हवाले किए गए वो काम अपने अंजाम दे रहे हैं। अब रह गया ये कि विलायत है क्या हमारे मजहब में, ये बात भी बच्चों के समझ में आना चाहिए। देखिए बचपन से आप कहते आए हैं और पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं
विलायत अली विलायत अली विलायत अली, और जो मुनकर विलायत अली हो उसका कोई अमल कबूल नहीं हो, जो मुनकर विलायत अली हो उसको कोई चीज काम आने वाली नहीं। सवाल ये विलायत है क्या? देखिए इस्लाम में पांच ओहदे हैं, ये बच्चे सुने बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं, मौलाना हजरात बैठे हैं वो कहीं ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, समझे आप। लेकिन ये कि बहरहाल मैं बच्चों वालों के लिए नौजवानों के लिए बोलता हूँ, तो पांच ओहदे हैं इस्लाम में, नबुवत, रिसालत, इमामत, खिलाफत, विलायत। ये पांच ओहदे इस्लामी हैं, नबुवत, रिसालत, इमामत, खिलाफत, विलायत, ये पांच। अब ये क्या है? नबा अरबी में कहते हैं खबर को, आप अरबी डिक्शनरी उठा के देखिए, ये लैंग्वेज है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। नबा मीन्स न्यूज, खबर। नबी वो है जो उधर की खबर इधर दे, वो नबी है, और इस काम के करने को नबुवत कहते हैं। रसूल माने भेजा हुआ, आप अपने किसी काम से किसी आदमी को किसी के पास भेजें तो वो आपका रसूल है, इसी से रिसाला बना है, इसी से रसल और रसायल बना है। रसूल माने भेजा हुआ, रसूल माने भेजा हुआ, आप किसी काम से कोई कागज लेके कुछ लेके किसी के पास कोई खबर लेके किसी को भेजें तो वो रसूल है आपका। तो जिसको खुदा अपना दीन लेके भेजे इंसानों की तरफ वो रसूल है, और दीन लाना और लोगों तक पहुंचाना इसी का नाम कार्य रिसालत है। इमाम के माने हैं लीडर, कायद, जिसको फॉलो किया जाए, जो किसी गरोह को लीड करे, जो आगे आगे चले, रहनुमाई करे, वो इमाम है। कौम की रहनुमाई करने के लिए और इंसानों की क़यादत करने के लिए खुदा जिसको मुकर्रर करे वो इमाम है, और उसका क़यादत करना और रहनुमाई करना ये कार्य इमामत है। खलफ कहते हैं पीठ के पीछे को अरबी में, खलीफा वो है जो किसी के बाद आके उसकी जगह बैठे, किसी का नायब, किसी का जानशीन, किसी का सक्सेसर, समझे आप, ये खलीफा है, जिसको खिलाफत कहते हैं। ये और बात है किसी वजह से ये लफ्ज हमारे क्या बदनाम हो गया, लेकिन है कुरानी लफ्ज। है कुरानी लफ्ज। तो जो रसूल की नियाबत करे, अल्लाह की नियाबत करे इस दुनिया में, वो खलीफतुल्लाह फिल अर्ज है, या खलीफा है रसूल, या खिलाफत। अब गौर तलब बात यह है कि विलायत के माने क्या है। अगर कहिए दीन लाना वली का काम है तो वो रसूल का काम है, अगर कहिए उधर के मैसेज पहुंचाना काम है तो ये नबी का काम है, अगर कहिए क़यादत करना वली का काम है तो ये इमाम का काम है, अगर कहिए नियाबत करना काम है तो ये खलीफा का काम है। वली का काम क्या है? सवाल ये विलायत क्या चीज है? देखिए इसको मसले को गौर से सुनिए आप लोग, जो लोग जल्दी जल्दी बहसें करते हैं फैसले किए बगैर वो अच्छा काम नहीं करते हैं। समझ लीजिए बात को, उसके बाद कहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत बात हमारे मुंह से निकल जाए। उन लोगों के मामलात में खामखा की गुनहगारी से क्या फायदा। तो देखिए असल में किस्सा क्या है कि
हर मुल्क में कानून होता है, हर मुल्क में कानून होता है, हिंदुस्तान में भी है, दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं हर एक के पास उनका अपना कानून और कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कानून जानना अलग चीज है, कानून को एग्जीक्यूट करने का पावर हर एक के पास नहीं है। और कीजिए, कानून को एग्जीक्यूट करने का पावर हर एक के पास नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जो जरा समझदार है, कि हिंदुस्तान में कत्ले अहमद की सजा मौत है। कोई आदमी इंटेंशनली जानबूझ के अगर किसी को बेजुर्म खता मार डाले तो उसकी सजा हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से हैंग टिल डेथ है, सजाए मौत है। सब जानते कि कत्ले अहमद की सजा मौत। हमारे सामने एक आदमी ने एक आदमी को बेजुर्म खता मार डाला, हमने अपने आदमियों के जरिए उसको पकड़वाया और सामने नीम के दरख्त में उसको फांसी पर टंगवा दिया। वो टंगे ही थे कि पुलिस आ गई, उनका इसको किसने फांसी पर टांगा, हमने कहा हमने, क्यों का लिखा हुआ है कि कानून में ये कत्ले अहमद की सजा है। लिखा हुआ है कानून में, पढ़ लीजिए जिस किताब में चाहे पढ़ लीजिए, ये कत्ले अहमद की सजा मौत है, वो हमने दे दी। तो उनका बड़ा काम किया आपने, अब इन खिदमात के नतीजे में यही है कि थोड़े दिनों सरकारी मेहमान भी रही है, हॉस्टल लुत्फ उठाइए, फरीदा तो आपने अपना पूरा कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, कानून कहता है कि ठीक है कत्ले अहमद की सजा मौत है, मगर आप कौन से सजा देने वाले, जिनको गवर्नमेंट ने अथराइज किया है सजा देने के लिए वो सजा दें तो ठीक है, आप कौन साहब थे जो आपने मौत की सजा दी थी। आप पुलिस में रिपोर्ट करते, पुलिस पकड़ती, उसका केस दायर करती, उसको अदालत में पेश करती, उसको सफाई का मौका मिलता, सब कुछ होता, वो सब होने के बाद वो जज जो अथराइज है फांसी लिखने का वो लिखता, तो वो लीगल था मामला। आप कौन बीच में आ गए सजा देने वाले। तो मालूमा काम के अच्छे बुरे होने से बहस नहीं है, सवाल ये आपको राइट कहां पहुंचना था उसका। जो लोग कहते हैं अली अली किया करते हो, और लोगों ने भी तो अच्छे अच्छे काम किए, जरूर किए होंगे, मगर उनको हक किसने दिया था ये काम करने का। मसला जो है यह गौरतलब है कि देखिए, जो हुकूमत कानून बनाती है, कानून एग्जीक्यूट करने वाला भी वही मुकर्रर करती है। कानून एग्जीक्यूट करने वाला भी वही मुकर्रर करती है। यह मुमकिन नहीं है कि कानून इंडियन गवर्नमेंट बनाए और जजेस का इलेक्शन हो। ये नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का कानून है तो जजेस का सिलेक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट करेगी। और हमने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून है तो जजेस का सिलेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट का कानून है
तो जजेस का सिलेक्शन अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी। तो कानून के एग्जीक्यूट करने के हक का नाम विलायत है। कानून के हक के एग्जीक्यूट करने के हक का नाम विलायत है। और विलायत का ओहदा जो है ये बकिया ओहदों से बड़ा है, यानी इमामत से, नबूवत से, रिसालत से, खिलाफत से बड़ा है विलायत का ओहदा। अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि ये बकिया चार ओहदे जो हैं, रिसालत, नबूवत, इमामत, खिलाफत, ये मासूमों तक तो जाते हैं मगर खुदा तक नहीं पहुंच पाते। खुदा को आप रसूल कह के देखिए, खुदा को आप नबी कह के देखिए, खुदा को आप इमाम कह के देखिए, खुदा को आप खलीफा कह के देखिए, तो मालूम है अल्लाह ना वली होता है, न इमाम होता है, न नबी होता है, न खलीफा होता है, मगर अल्लाह वली है। अल्लाह वलीना मनु, अल्लाह वली है। तो विलायत का ओहदा अल्लाह तक पहुंचता है, विलायत का ओहदा अल्लाह तक पहुंचता है, समझे? ये ओहदा वो है। अच्छा, दुनिया का मामला ये हुआ कि दुनिया हुकूमत लेके खुश हो गई, उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं विलायत क्या है, और उस दिन से आज तक अली ताजदार विलायत कहलाते हैं। अली के वली होने में किसी को शक ही नहीं। ये अजीब और गरीब बात है, ये भी समझिए दुनिया की जहालत पर मोहर है। तारीख की किताब में, मजहबी नहीं थी, तारीखी थी, मैंने तारीख की किताब में एक वाकया ये पढ़ा है कि जिस वक्त ईरान के बादशाह के महल में लूट हो रही थी और मुस्लिम फौजें वहां महल को लूट रही थी, तो जिसके हाथ जो लगा वो ले गया। महल तो लूट रहा ही था और मुस्लिम फौजें जो थी वो महल के अंदर थी, तो जिसके हाथ जो लगा वो ले गया। तो एक अरब को दो सोने के प्याले मिले, वो बिल्कुल ही जंगली अरब था, उसने सोना देखा ही नहीं था, न वो सोना जानता था, न वो वाकिफ था कि सोना क्या है। अच्छा, वो दो प्याले लेके चला आया। रात को लश्करगाह में जब सब लोग लेटे और एक दूसरे से बातें होने लगी कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तो वो रोने लगा और कहने लगा मेरी तकदीर फूट गई, मुझे दो जरत प्याले मिले हैं, है कोई अल्लाह का बंदा जो एक, अच्छा एक बात उसने सुन रखी थी कि चांदी महंगी चीज है, चांदी से वाकिफ था लेकिन सोने से वाकिफ। तो कहने लगा है कोई अल्लाह का बंदा कि जो मुझसे एक दो ये जरत प्याले ले ले और एक चमकता हुआ प्याला मुझे दे दे। अच्छा, ऐसे बंदों की कमी नहीं, ये तो आपको मालूम है, ऐसे बनते दुनिया में बहुत है। तो चुना एक पैदा हो गया, उसने उससे दोनों सोने के प्याले ले लिए और एक चांदी का प्याला उसको दे दिया। उसने रात भर दुआएं दी, कहने लगे खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुमने मेरी इज्जत रख ली और ये कर लिया और ये एक चांदी का प्याला दे दिया मुझे, ये तुमने बड़ा अच्छा किया, शुक्रिया भी अदा किया, दुआएं भी दी और सोने के दो प्याले भी दिए। वह अजीजा ने गिरामी, यही मामला है।
दुनिया ने अली से हुकूमत ले ली, विलायत दे दी। दीन भेज रहा है इसलिए कि वली है। रसूल किस अथॉरिटी से दीन ला रहे हैं? इसलिए कि रसूल वली है, वली की अथॉरिटी से इस्लाम पहुंचा रहे हैं। इमाम किस अथॉरिटी से दीन बता रहा है? वली की अथॉरिटी से बता रहा है। मजहब एक कानून है, जब आप बनाइए तो कानून है, जब खुदा भेजिए तो मजहब है। समझे आप? मजहब में भी बहुत कुछ वही है जो कानून में है। मजहब भी कमजोरों के लिए है, कानून भी कमजोरों के लिए है। मजहब भी इंसाफ देता है, कानून भी इंसाफ देता है। मजहब की दुहाई भी देते हैं कमजोर लोग, वीकर सेक्शन, कानून की दुहाई का वीकर सेक्शन देता है। मजहब के खिलाफ भी ताकतवर लोग आते हैं, कानून के खिलाफ भी ताकतवर लोग आते हैं। ये मामला है, मजहब की नजर में भी सब यकसा होते हैं, कानून की नजर में भी सब यकसा होते हैं। मजहब भी सजा और जजा के तसव्वुर रखता है, कानून भी सजा और जजा के तसव्वुर रखता है। तो कानून तीन मरहलों से गुजरता है जब हको इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। पहली मंजिल है लेजिस्लेशन, कानून साजी, कानून बनाना। जिन लोगों के लिए बन रहा है उनकी ताकत को देखते हुए, उनकी लियाकत को देखते हुए, उनकी उमंगों को देखते हुए, उनके हौसलों को देखते हुए, उनकी सलाहियतों को देखते हुए कानून बनाया जाए, यह पहली मंजिल है लेजिस्लेशन। इस्लाम में लेजिस्लेशन किसी का हक नहीं है सिवाय खुदा के, ना नबी का हक है, ना इमाम का हक है, ना पब्लिक का हक है, ना मौलवी का हक है। लेजिस्लेशन कानून बनाना इस्लाम में किसी का हक नहीं है, कानून अल्लाह बनाता है। जितने वाजिबात हैं, जितने मुहर्रमात हैं, जितनी सजाएं हैं, जितनी नमाजें हैं, जितने रोजे हैं, सब अल्लाह के फर्ज किए हुए हैं, रसूल ने बताए हैं, रसूल ने फर्ज नहीं किए। ये दूसरा मरहला है। अच्छा, ये पहला मरहला है लेजिस्लेशन। दूसरा मरहला है कानून का उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए बना है। इसलिए कि मस्जिद के इंतजामिया ने, मान लीजिए कि 10 आदमी इंतजामिया मेंबर हैं, उन 10 आदमियों ने कमेटी में बन कमरे की कमेटी करके ये कहा कि अब की मुहर्रम में जो आएगा मस्जिद के हाल में वो काली शर्ट पहने के हो। 10 दिनों में मुहर्रम के जो आए वो काली शर्ट पहन के आए, लेकिन उस कानून को पब्लिश नहीं किया, नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया, मस्जिद में जुमे में ऐलान नहीं किया। अब लोग दूसरे रंगों की शर्टें भी पहन के आ गए, उनका साहब हमारा कानून तोड़ रहा है। तो उनका आपने बताया तो होता कि आपका कानून ये है, हमारा तो होता। आप 10 आदमियों ने मीटिंग करके वहां कानून पास कर लिया, हमें क्या मालूम था। तो कानून बताना भी चाहिए जिसके लिए बना है। जैसे अब आपको कल काल की कमीज पहन के आना है, यह काम रसूल का है कि एज इट इज
इन टोटो बगैर एडिशन अल्टरेशन के जो अल्लाह ने बनाया है वो पहुंचा दे। अच्छा, जब कोई चीज लिख ली जाती है पहुंच गई आप तक। अब तहरीर के होते हैं बहुत से इंटरप्रिटेशन, तहरीर के कई इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो अब इसके अंदर लफ्ज ये कैसे मालूम हो कि इस कानून का मतलब क्या है? कुरान ने कानून बना दिया कि चोर का हाथ काटो, रसूल ने पहुंचा दिया कि चोर का हाथ काटो। अब चोर बैठा हुआ है, कुरान खुला रखा हुआ है, मौलवी बैठे हैं, ये नहीं तय हो रहा है कहां से कटे हाथ। जी, तो अब तीसरी मंजिल है कानून का इंटरप्रिटेशन, कानून बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक। ये नहीं कि जो समझ में आए वो नहीं, कानून का इंटरप्रिटेशन, कानून बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक। ये काम इमाम का है कि वो कानून का इंटरप्रिटेशन करता है कानून बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक। तो अल्लाह वली, रसूल वली, बारह इमाम वली। कुरान में तीन विलायतों का जिक्र है, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना सलात। तो खुदा और रसूल तो वाहिद है, एक एक, और उसके बाद जो सीगा है वो जमा का है। और वो लोग लज़ीना आमनु युक़ीमुना युतुना, ये सब जमा के सीगे हैं। मालूमा के दो फर्दे हैं, एक ग्रुप है। जो दो फर्दे हैं वो एक ज़ात वाजिब है, एक रसूल है, और जो ग्रुप है वो इमामत है, जिन्हें बारह हैं। समझे आप? तो यही वो चीज है जो हदीस में हमको बताई गई, यही तीन विलायतें। तो कुरान में है, कुरान में नाम नहीं है तीसरे वली का, सिफतें बयान की गई हैं। तो हमने पूछा उलमा से कि जब कुरान में नाम नहीं होता और मुजमल होती आयत तो उसकी तशरीह कैसे होती है? तो उनका हदीस से होती है। तो हमें एक हदीस की तलाश हुई जिनमें तीन विलायतों का जिक्र हो, पहले खुदा की विलायत का जिक्र हो, फिर रसूल की विलायत का जिक्र हो, फिर तीसरे वली का नाम हो। चुनाचे तकदीर से मिल गई हदीस और आप सबको याद है, अल्लाह मौलाया वाना मौलल मोमिनीन मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। यह है मामला, ये अली मौला है, ये तीसरी विलायत है, विलायत हैदर करार। और यही तीन चीजें जो हैं, ये हमारे कलमे में भी यही चीजें इंडिकेट की जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हम कानून बनाने वाले वो अपने अकीदे का इजहार करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के कानून लाने वाले पर करते हैं, अली उन वलीउल्लाह कह के कानून बताने वाले पर करते हैं। सलावात भेजते हैं मोहम्मद। जब इमाम पर्दे गैबत में जाने लगे तो उन्होंने अपनी नियाबत में से कुछ हिस्सा और अपनी विलायत में से कुछ हिस्सा वक्ती तौर से फकीह के नाम किया और वो उसी अथॉरिटी से काम करता है। मसलन आपकी पुरानी फिकह किताबें उठाइए, कोई नई नहीं, आपको ये मिलेगा कि खुम्स नायब इमाम को सहम इमाम दिया जाए। कमाया हमने, पैसा हमारा,
आप किस अथॉरिटी से लेते? सवाल ये, हमने कमाया, हमने मेहनत की, हमने पैसा पैदा किया, आप किस अथॉरिटी से लेंगे? वही वली की अथॉरिटी है जो गैबत में मिली हुई है, समझे आप? और सुनिए, तलाक जारी करने का हक, यक्का गायब हो गया है, रोटी कपड़ा नहीं देता है, फुला नहीं करता है, नहीं करता है, तो मुश्तहिद को हक है तलाक जारी करने का। ये आज की बात नहीं है, बरसों से हो रहा है, ये रिसेंटली कोई नया नए मसले नहीं है, जो कहा जाए कि गुज़श्ता 25-30 बरस के अंदर हुए हैं। आप अपनी पुरानी फिका किताबें जिनकी एज 200-400 बरस से ज्यादा, उसमें पढ़िए लिखा मिलेगा। तो मुश्तहिद को हक हासिल है, वो एक स्टेज है, सर्टेन है मामला, प्रोसेस है, उसके बाद तलाक पढ़ देगा, तलाक जारी कर देगा। तो किसी की बीवी, आप कौन तलाक देने वाले हैं? ये वही अथॉरिटी है। कोई आदमी ऐसा मर गया जिसका कोई वारिस ही नहीं है, और दौलत छोड़ के मरा, इसकी दौलत किधर जाएगी? तो आपकी फिका कहती है हाकिम इशारा हो जाएगी, और तो जमाने भर की दौलत लेने वाले ये कौन? उसी अथॉरिटी से लेगा। और हमारे आपने इस तरीके से बीचियों मसाइल है जो है इसके अंदर, तो इस पर ताज्जुब ना कीजिए। या ये कि ये कोई नई चीज है या कोई ऐसी चीज है कि जो समझ में आने वाली नहीं है, नहीं, उसको पढ़िए, उसको और कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपकी समझ में आएगा कि गैबत के जमाने में ये सिस्टम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही पास है। हमारे उलमा जो फतवा देते हैं वो पूरा एक रिसर्च वर्क है, वो एक रिसर्च वर्क है। वो पहला फतवा जो उनका होता है, या दूसरा फतवा जो होता है, या शुरू की इब्तदाई फतवे जो हैं, वो समझिए कि वो थीसिस है पूरे पूरे। बड़ा मेहनत करना के पड़ती है, रावियों के हालात देखना पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सिलसिले मिलाना पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी है यूं ही फतवा दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इल्म के अंदर वो पढ़ने में, पढ़ाने में, इसमें रात और दिन उनके सर्फ होते हैं, तालीम भी देते हैं, दूसरे मेहनत करके खुद भी उसको हासिल करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज है इमामों का, और ये फैज है आले रसूल का, और ये उस वक्त तक सिलसिला रहेगा जब तक हिजाब गैबत को सुना जाए, और जब हिजाब गैबत उठ जाएगा तो आफ्ताब निकल आएगा, और उस वक्त फिर जमीन अपने खजाने उगल देगी, और हर चीज वो हो जाएगी कि जो मशरिक से मगरिब तक एक तीन होगा। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये अकीदा गैबत पर भी एतराज़ात हो रहे हैं, और अकीदा गैबत भी हमारा टारगेट बनाया जा रहा है। बस बहुत देर हो गई पकते पकते, हम मैं मजलिस तमाम भी करना चाहता हूं कि अकीदा गैबत भी टारगेट बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ किताबें शियों से लिखवाई जा रही है। क्या गैबत का कॉन्सेप्ट शियों में 4वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ, 5वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ, बाद की पैदावार है? हाँ, ये समझ लिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं एक्सट्रीम पर जाके बात करता हूं, मैं कहता हूं अगर कुछ भी नहीं है और सब बोगस है और पूरा यहां से वहां तक गलत है, तब भी अकीदा गैबत कलेजे से लगाए रखिए। अब दलील सुनिए, हालत यह है इस वक्त आलम इस्लाम की,
कि जैसे कोई किसी जंगल में अंधेरी रात में खड़ा हो, जंगल है, बियाबान है, अंधेरी रात है, इतना अंधेरा है कि हाथ यूं करते हैं तो हाथ नहीं दिखाई दे रहे, इतना घुप अंधेरा है, और आंधी चल रही है, जबरदस्त तूफान आया हुआ है, और एक तरफ समंदर है जिसकी मौजें शोर कर रही हैं, और एक तरफ जंगल है जिसके दरख्त टूट टूट कर गिर रहे हैं, और जंगली जानवरों का शोर अलग आसमान सर पर उठाए हुए है, और ऐसे आलम में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसे नहीं मालूम कि दूसरा कदम आगे रखेंगे तो कोई खाई है कि दरिया है, कि आगे चलेंगे तो कोई दरख्त का टहना टूट के गिरेगा, या कोई जंगली जानवर उसको लुकमा बना जाएगा, या कोई सांप उसे डस लेगा, या कोई समंदरी लहर उसको खा जाएगी। ये आलम इस्लाम का हाल है इस वक्त, और वो आदमी परेशान हाल तूफान में खड़ा हुआ है अंधेरे में। उससे 100 गज के फासले पर एक दूसरा आदमी खड़ा है उसी पोजीशन में, इधर जो खड़े हैं सारे मुसलमान हैं जो खड़े हैं इस पोजीशन में, और 100 गज के फासले पर हम खड़े हैं, इधर वही तूफान है, वही अंधेरा है, वही दर्द के डाले टूट रहे हैं, वही जंगली जानवरों का शोर मचा है, सब कुछ वही है, मगर उसमें और हम में फर्क यह है कि हमें बहुत दूर पर जंगल में एक चराग की रोशनी दिखाई दे रही है। मसला यह है कि एक चराग की रोशनी दिखाई दे रही है और हम उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बहस नहीं कि हम जिंदा पहुंच जाएंगे, यह बहस नहीं कि हम जिंदा पहुंच जाएंगे, मगर एक उम्मीद तो है। बस सारे आलम इस्लाम में और हम में फर्क यह है कि वो नाउम्मीदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उम्मीद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुंतजर हैं उस ज़ुहूर पुरनूर के जो पुश्त खाना है काबा से, जिस घर से दादा मिले थे उसी घर से पोता मिलेगा। और अज़ीज़ान गिरामी तारीख बताती है कि पहले लश्कर में वही तादाद होगी जो बद्र में लश्कर रसूल में थी, 313 आदमी, और 3 परचम होंगे, 2 परचम वो होंगे जिन पर बुजुर्गों की मदा में जो कसीदे आए थे
उसके शेर लिखे। एक पर लिखा होगा कि यूफून अबिन नजर व यखाफून यौमन काना शर्रहू मुस्ततीरा व यतमून ताम आला हुब्बे मिस्कीनम व यतीमम व आसीरा। और दूसरे परचम पर लिखा होगा जो बाई तरफ होगा कि जाल हक व जहाक अल बातिल इन दल बातिल अकाना, हक आया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिट जाने की चीज ही था। और अजीजाने गिरामी आपको मालूम है कि बीच में कौन सा परचम होगा? बीच में वही परचम होगा जो आशूरे के दिन हुसैन ने अपने भाई अब्बास को दिया। अजीजाने गिरामी अब्बास का आलम फिर सरबलंद हो। इसलिए किताब में मैंने पढ़ा है कि हजरत के सामने हर वक्त वो परचम रहता है जो उनके जद हजरत अब्बास के हाथ में था। और ये भी मैंने पढ़ा है कि उसका फरेरा लिपटा हुआ है। मुझे ये नहीं मालूम कि फरेरा किसने लपेटा, इसलिए कि ये होता है कि अलमदार ने नहीं लपेटा, अलमदार के हाथ कट चुके थे, अलमदार ने नहीं लपेटा। मौला हुसैन ने वो फरेरा लपेट दिया या जनाब जैनब ने वो फरेरा लपेट दिया, मैं नहीं कह सकता किसने लपेटा, मगर वो फरेरा लिपटा हुआ है। और जब वो खुद ब खुद हवा में लहराने लगेगा खुल के, तो उनके लिए इशारा होगा कि उठो, वक्त ज़ुहूर आ गया। बीच में वही अब्बास का परचम होगा। हाँ मौला, आपका दिल शाद होगा उस वक्त, इसलिए कि आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म जिहाद मिला हुआ होगा। जालिम कातिल दुश्मन चुन चुन के एक एक से इंतकाम लिया जाएगा। दीन के बिगाड़ने वाले, मजहब को मिटाने वाले, अहले बैत के दुश्मन, हुसैन के कातिल, सबसे आप इंतकाम लेंगे। सोचिए उसके दिल का हाल कि जिसकी तमन्नाएं घुटके रह गई, हमारी जाने निसार हो जाए मौला अब्बास पर, जिनके दिल की तमन्नाएं पूरी ना हुई। देखिए हजरत अब्बास की दो तमन्नाएं थी जिनका इजहार आपने फरमाया था। शब आशूर ये तमन्ना थी कि लड़ने की इजाजत मिल जाए। हजरत जुहैर से यही कहा था कि जुहैर आका से इजाजत दिलवा दो, ये लश्कर मेरी नजर में समा नहीं रहा है, इसको जाके कूफे की दीवार से मैं टकराया तो कोई बात ही नहीं। तो शब आशूर ये तमन्ना थी कि तलवार चलाने की इजाजत मिल जाए, और रोज आशूर ये तमन्ना थी कि प्यासी सकीना तक पानी पड़े। वाह हसरता कि अब्बास की कोई तमन्ना पूरी ना हुई, न जिहाद की इजाजत मिली, न प्यासी सकीना तक पानी पहुंचा। अल्लाह ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया, रोजे में जाके जो मुराद मांगी है पूरी होगी। अब्बास तेरे दिल की आरजू घुटके रह गई, जो तेरे वसीले से मांगेगा उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। हे मौला अब्बास, इन गुलामों का सलाम लीजिए, आपके गुलाम आपको सलाम कर रहे हैं, आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह।